नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका मित्र और आपका दोस्त सुशील संस्कारी हाजिर हूं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ में। दोस्तों, क्या आप सब ने ये नोटिस किया है कि हम सब छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं और ओवरथिंकिंग की हैबिट को डेवलप कर लेते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। थिंकिंग एक माइंड का प्रोसेस है और सोचना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना आपके मेंटल स्टेटस को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये लोगों के साथ अक्सर होता है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान को कुछ ऐसी बातें कह देता है जो उसे हर्ट करती हो, तो वहां पर मौजूद एक तीसरा इंसान जिसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस दूसरे इंसान को बड़े आराम से कह देता है कि तू इसकी बातों को लाइटली ले। और वहीं पर अगर वो पहला इंसान ये सारी बातें उस तीसरे इंसान को कह दे, तो वो तीसरा इंसान कभी खुद लाइटली नहीं लेगा और सोचता रहेगा कि उस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्या करा कि मुझे ऐसी बातें सुनने को मिली। अब जैसे कि एक इंसान एक रोड पर जा रहा होता है, तो लोग उस इंसान को देखते हैं और वो इंसान खुद से ये पूछता है, यार क्या मैं खराब दिख रहा हूँ, क्या मेरे चलने का ढंग सही है। ये छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज थिंकिंग को ओवर थिंकिंग में बदल देती है। जब तक आपके माइंड के थॉट प्रोसेस में मैं, मेरा, मुझे, मैंने ये सब आते रहेंगे, तो आप थिंकिंग को ओवर थिंकिंग बनाते जाओगे। जब भी आप अपनी थिंकिंग में ये सारे शब्द लगा दोगे, तब आपके थॉट्स की एक चेन बनती हुई चली जाएगी और इस चीज को समय रहते अगर नहीं रोका गया तो ये ही ओवरथिंकिंग आपको मेंटली इल तो करेगी ही, लेकिन ये आपको डिप्रेशन की तरफ भी लाकर छोड़ देगी। अब सवाल ये आता है कि इस ओवरथिंकिंग की हैबिट को कम कैसे किया जाए, तो मैं आप सबको एक तरीका बताता हूँ। आप सब सुबह जल्दी उठकर सनराइज होते हुए देखो, उस एनर्जी को फील करो। आप देखोगे कि आपने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया। आपने कभी बच्चे को खेलते हुए देखा है? वो अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचते, उन्हें अपने फ्यूचर की टेंशन नहीं होती, वो बस प्रेजेंट में जीते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हमें पास्ट का भी सोचना होता है, हमें फ्यूचर की भी टेंशन होती है और हम कभी प्रेजेंट में जी ही नहीं पाते। बस जीते हैं तो इस ओवरथिंकिंग में कि यार पास्ट खराब हो गया, अब फ्यूचर कैसे ठीक करूं। आप अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर कभी बच्चों के साथ बच्चे बनकर देखो, आपकी सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस, सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। और अगर आप कभी ओवरथिंक करते भी हो, तो बस एक शांत जगह पर बैठकर अपनी आंखें बंद करो और नेचर की साउंड्स को सुनो, और हो सके तो मेडिटेशन जरूर करो। इन सब चीजों को करने से आपका माइंड बहुत ज्यादा रिफ्रेश और रिलैक्स होगा, आपकी क्रिएटिविटी इनहांस होगी और आपको इनोवेटिव आइडियाज आने शुरू होंगे। तीसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप खुद के दोस्त बन सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हम अपने दोस्तों की प्रॉब्लम्स कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उतनी जल्दी हम खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते। आप अपने दोस्त बनो और ऐसा सोचो कि आपके सामने आप खुद बैठे हो और आप अपनी प्रॉब्लम सुन रहे हो जैसे आप अपनी दोस्त की प्रॉब्लम सुनते हो, और फिर देखना कि आप कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो खुद के दोस्त जरूर बनो और इस लॉकडाउन में कुछ इनोवेटिव जरूर करो और अपने स्किल्स पर काम करके उन्हें जितना हो सके उतना इम्प्रूव करते जाओ। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपका भाई, आपका मित्र और आपका दोस्त सोशल संस्कारी विदा लेता हूँ आपसे। मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, स्टे मोटिवेटेड, कीप हसलिंग। दिस इज सोशल संस्कारी साइनिंग ऑफ।